आजर ये जो वीडियो मुझे या जाऊँगी एक्चुअली ये वीडियो मैंने बहुत दिन पूर्व मतलब अपलोड करार कारण गणेश पूजार जो डिजाइन आम करवा सेटा 7-8 दिन पूर्व से अपलोड करा जाए किंतु टी समय अभाव मुझे कर पार नी तो पूर्व वीडियो में जो वीडियोटा करी से आम गोटे गणेश पूजार रसीद कार्ड आम कमी करवा गोटे रसीद मनी रिसीप्ट आम कमी करवा से विषय में जो वीडियो देखी से आखि सारी आज वीडियो में आपको कहि इनभाइटेसन गणेश पूजार इनभाइटेसन गणेश पूजार निमंत्रण कार्ड केमी कौन प्रिंट कराए से विषय में आज वीडियो तैयारी करुच्छे मुझे सैज करुँ विभिन्न प्रकार सैज थाए मुझे सैजटा कर देखेबी एटा हूँ 6 इंच 4 इंच सैज्र गोटे करुँ आप 7 इंच 5 इंच भी करे कि मुझे सैजटा देखा से मैंने प्रथम शिखिले आपत 7 इंच 5 इंच करें कि 6 इंच सैज आप कि मेन कथ हूँ आम शिखा शिखा पूर्व आउ गोटे कथा कथ कह मैंने अति सहज और सरल भाव में मुझे वीडियो में कहना चेस्टा करदी आप बुझीपुर बुझीपारे ना तेज मो पाखे गोटे पर्सनाली आप ग्राफिक डिजाइन कोर्स गोटे निो कोर्सटा कि मुझे दूसरी मात्र 1000 टका 1000 टकर वर्ष पर्यटन शिखेबी जो एनी डेस्क शिखेदेवी ओवर टेलीफोन शिखेदेवी आपंकर पर्सनाल वीडियो कर शिखेदेवी आो कोर्स गुड़ा मुझे शिखा सेगुरा है फोटोशॉप पेज मेकर कोरल तीन टा विषय शिखा जब आपने प्रोफेसनाल ग्राफिक डिजाइन कोर्स मैंने शिखा चाहते होगा चाहते हैं मो पास गोटे आडमिशन कले मुझे केमी कौन आडमिशन आपके आप घर बसिक शिखिपर से विषय में आपको कहीदेवि अच्छा ये भिडियोटा आप देखला देखा समय जदि आप प्रकृति में भी मैंने शिखा चाहते तेल भिडियो को टिके भी आज स्किप करेंगे ना और यार भिडियोटा ड्यूरेशन टी अधिका नहीं पारे कारण ये गोटे भिडियो पूर्व भिडियो में आपको मैंने दुईटा पार्ट करी प्रथम पार्ट तार बैकग्राउंड केमी कौन क्रिएट कराए सेकेंड पार्ट में आपको डिजाइनटा करी कि आज ये जो भिडियोटा करुच्छे गणेश पूजार इनभाइटेसन कार्ड से इनभाइटेसन कार्ड प्रथम शेष पर्यटन मुझे गोटे भिडियो सारे चेषा करुँ हाँ यहाँ हो पारे टी अधिक समय नहीं पारे कि मूल शेष पर्यटन मैंने जदि आप प्रकृति में शिखा चाहते ये मैंने कौन गोटे जिन भी छाड़ी आप चेषा करूँ मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप शिखापी आराम से धरीपर फोटोशॉप आज आम यही डिजाइनटा करवा जो आप देखुं यहाँ हूँ मैंने बेसी इमेज मुझे यूज करनी बेस हार्ड इमेज बा बेसी क्रिटिकल इमेज गुड़ाक मुझे यूज करना और सिंपल वे रे सिंपल प्रोसेस कमी कौन हो पार से आपको यहाँ ये डिजाइनटा करुँ सब डिजाइन करने पूर्व मन रखुद आमको गोटे मेन काम करने पड़ो जोटा कि आमको सब नेट्रु आर इमेज गुड़ाक विभिन्न प्रकार जो इमेज अच्छी से इमेज गुड़ाक डाउनलोड करने पड़ो यहाँ है मुख्य काम यहाँ टी लार्ज आइकन टे कर देखे दूसरी मुझे इमेज डाउनलोड करी सबूक ये आपको देखेली सबूक पीएनजी फाइल पीएनजी फाइलटा केमी कौन आप क्रिएट करेंगे सेटा मुझक प्रथम भिडियो कहीकि शिखेली तेणु ये भिडियो से जिनटा मुझे रिपीट करूनी कारण गोटे जिनस रिपीट कले आपण मैंने भी बोर हो जाए कथ बारंबार देखा तेणु पीएनजी फाइलटा केमी कौन आप क्रिएट करेंगे सेटा मुझे प्रथम आपची अच्छा ये आम प्रथम काम है गोटे भल बैकग्राउंड आम सिलेक्ट करवा भल बैकग्राउंड जो सिलेक्ट करवा देखो मुझे ये गोटे बैकग्राउंड क्रिएट करपर ये जो कलश गोटे डाउनलोड करेट्रु तापर ये जो हार गोटे सब पीएनजी कदमी गस भी सेमती गोटे इमेज डाउनलोड करा गोटे बॉर्डर देवाई उपर गोटे बॉर्डर देवाई क्रिएट करा गोटे स्वस्तिक चिन्ह और गणेश तो आमर प्रथम काम ये जिनस गुटा आप प्रथम डाउनलोड करने पड़ो नेट्रु डाउनलोड करा एगुटा डाउनलोड नक कौन सी डिजाइन करेंगे ना तो आप प्रथम मैंने सस्पेन्स पड़ी एगुरा एत जिन अच्छी मुझे कमी कौन करी तार किसी थलकूल पाने कि जिनसा से नुहे अच्छा फोटोशॉप मुझे खोली फोटोशॉप खोला पर गोटे नुआ फाइल क्रिएट करने पड़ो नुआ फाइल जो रोचे ये फाइल क्लिक करा न्यू क्लिक करा ये आमको पेज सेटिंग करने पड़ो टी आगे कहती जमी आमको गोटे मप थाए गए मेजरमेंट थाए से मेजरमेंट आम के कौन रखा से विषय में मुझे क्लीयर भाव में कही रखुच्छे आप मत मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने भल भाव फलो करूँ तो आप जानपरेंगे ये मुझे रखुच्छी यार जेहेतु आम इंचेस अप्सन ना तेणु ये इंचेस क्लिक करुच्छे सरी यहाँ पिक्सेल होगा ये इंचेस क्लिक करुच्छे वाइड आम रखा 6 हाइट रखा 4 तापर रिजोल्यूशन रखा 300 कलर मोडा आरजीबी मोड था आम जो प्रिंट करवा जब आम छोट प्रिंटर भी प्रिंट करवा तेल यहाँ भी आम आरजीबी मोड्रे दे पार कि जब डिजिटल प्रिंटर भी प्रिंट करवा से आप कलर चेंज करदे सीएमआई को जब चेंज करदे तेना आरजीबी कलर आरजीबी आये किसी सेमती मानते तफात ना कि तफात हूँ आम जो बड़ डिजाइन करवा से आरजीबी और सीएमआई भितर तफात थाए जेहतु यहाँ गोटे छोट डिजाइन होेणु मैंने छोट प्रिंट आम करवा छोट पेपर में प्रिंट करवा तेणु आरजीबी मोडा था कारण सीएमआई के मोड्रे कले जो आप देखते साइज इमेज साइज ये बहुत बड़ होपर ये आम ओके क्लिक करवा ओके क्लिक करापर अटोमेटिक से तरह से बड़ा साइज होगा जो 6-4 इंच आम काम है आम
यार बैकग्राउंड प्रथम पकेबा बैकग्राउंड को आम पकेबा आम कौन करना ये जेहे आम बैकग्राउंड आम रखीचे तेणु मुझे ड्राग करी फोटोसप खोलिकी एटी टाणिक पकाउे ये टाणी पकेला आउ गए विंडो खोलीगला तेणु ये जो ये देखो एक दुई ये दुईटा विंडो खोली तेनालीटा को आम कौन करना टे तौक टाणी देकर तलू टाणी देला ये जो यहाँ हूँ मूव टूल ठीक है यहाँ हूँ मूव टूल ये मूव टूल आप गोटे लेयर को गोटे ऑब्जेक्ट को घुंचा घुंची करेंगे एक सर करेंगे तापर आम ये कौन करना ये क्लिक करवा ये क्लिक करापर ड्राग करके पकईदेपर ये मुझे क्लोज करदेवी कारण यहाँ आम नहीं सारी अलरेडी कंट्रोल जीरो मारिकी एटा मुझ कि कंट्रोल माइनस मारिकी परदा गोटे छोट करदेवी कंट्रोल टी मारि ठीक है मुझ कौन कौन यूज करूटा भी आपड़ भल भाव शुणु और भल भाव देखु और से हिसाब से फलो करूँ आप जानपरेंगे कंट्रोल टी प्रेस करापर सिफ्ट धरिकी मुझे यू सैज्र करदेली ठीक है ये सैज्र करदेपर यहाँ गोटे बैकग्राउंड क्रिएट होगा अच्छा तापर आम काम है कौन ना देखो आम जो इमेज गुड़ा डाउनलोड करे सब गोटी 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 सब फोटोसप आमको खोलने पड़ो तेणु या मुझे सिलेक्ट कली या सिफ्ट धरिकी सिलेक्ट कली सरी कंट्रोल धरिका सिलेक्ट कली सबुजाक सिलेक्ट करी एका थे सबुजाक मुझे कौन करना फोटोसप को आणिक खोलीदेली सबुजाक खोलीदेला सब गोटे गोटे विंडो होकर अलग अलग विंडो होकर खोली तापर ये आम कौन करना जो अनटाइटल आम जो क्रिएट करी पाखे जो यही स्वस्तिक चिन्हटा आमको आने पड़ो तापर यहाँ मुझे कौन करना ये टाणीदेली तापर एटा को क्लोज कर देली तापर एटा को मुझे टाणी देली तापर एठी टाणी देकर पकई देली तापर एटा को क्लोज कर देली तापर ए जिनसटा आनी जेहेतु एग्रा मुझे सब पीएनजी फाइल करें तार बैकग्राउंड किसी ना ठीक है तार बैकग्राउंड कौन कलर ना तो आपड़ जो बैकग्राउंड न काटिकी जब आठ डायरेक्ट आने तेल या पछपटे जो धला चिन्ह गुटा थे सब पलैस तेणु प्रथम पीएनजी फाइल टाक आम मैंने प्रायोरीटी भाव में शिखापी पड़ो तापर एटा को आणिक कदमी गसटा को आणिक पकईदेली तो गोटे फाइल भितर सब जगह मुझे नहीं आसपर एटा को आणुचा को आणिक पकईदेली तापर आउ गोटे जिनस रहा एटा ये कलस कलसटा को आणिक गोटे फाइल पकईदेली तो ये सब आने आम लेयार शो करवा लेयार शो करने आप एफ सेवेन कीबोर्ड जो आम अच्छी एफ सेवेन मैंने एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर जो कीबोर्ड ऊपर साइड अच्छी सेटा आम शो करवा शो कराला ये आप देखते केतटा लेयार हो गला लेयार क्रिएट हो गला तो जो लेयर में आम काम करवा से लेयर को सिलेक्ट करने पड़ो देखो ये यहाँ गोटे आम कौटा बैकग्राउंड यहाँ गोटे इमेज 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 सब जगह हाइड करदे मुझा पुणी आउ थे शो करे ये हूँ गोटे गोटे इमेज ये जो लेयर वन लेयर टू लेयर थ्री लेयर फोर आपको आम ना दे पार ना देवाई आम ये कौन करा ना मुझे ये डबल क्लिक करुच्छे मैंने करूँ ये आम दे बीजी बा यार सर्टकट नेम गोटे बीजी बा बैकग्राउंड तापर ये जो लेयर रोज लेयर थ्री आपको लेयर थ्री टाक आम देदे ये गणेश तो यही प्रोसेस आप सब जगह रिनेम कर दिखाँ जहाद्वर कि आम जाना सुविधा हम जो यही लेयरटा हूँ मैंने यही नाटा है यही लेयर सबू लेयर ना मुझे क्रिएट करदेली आमको आउ लेयर अनुसार आम जापर यहीटा हूँ यही लेयर अच्छा आम ए कौन करना प्रथम गणेश गणेश जो लेयर अच्छे यहाँ को सिलेक्ट कली तापरे कंट्रोल टी मारिकी कंट्रोल टी प्रेस करके आम छोट करदे छोट करवाई गोटे कणुर धरिकी मुझे टाणीदेली तापर आम कौन करना ना कदमी गच जो रोचे कदमी बानाना ट्री जो रोचे ये देखीदेली ये कंट्रोल टी मारिकी सेमती आम नहीं आसवा ठीक अच्छे तापर आम कौन करना ये जिनसटा को आम एट रखा एट रखिकी ये गोटे कथ लक्ष्य करूँ जे आम कदमी गछटा को सामने रखा ना पछे रखा जदि कदमी गछटा को आम सामने रखा तो आमको गणेश जो मूर्ति रोचे गणेश इमेज रोचे से सामना को आने पड़ो तेणु ये आम कौन करना गणेश को सिलेक्ट करबोर्ड में कंट्रोल सिफ्ट ब्राकेट चिन्ह रोचे से जिनटा को आम प्रेस करदे आट ए टाइम कंट्रोल सिफ्ट ब्राकेट चिन्ह से आम प्रेस करदे यहाँ सामना को पलैसा तापर कलसटा को सेमती जब आम क्लिक करके कलस क्लिक करदे जब देखो ये गोटे गोटे लेयर जो लेयर उपाय आम क्लिक करवा से सिलेक्ट हो क्लिक कल देखते ये नीला चिन्ह होगा स्वस्तिक चिन्ह पर क्लिक कल यहाँ नीला चिन्ह होगा जदि एमती आप अटोमेटिक आसू न था ये आप करना अटो सिलेक्ट गोटे अप्सन अच्छी ये आप टिक करदे ठीक अच्छे ये टिक करदेला से जिन गुड़ा पलैस मैंने आप जोटा को सिलेक्ट करेंगे से ही लेयरटा आप सिलेक्ट ही पलैस तापर आम कौन करना यमी स्वस्तिक चिन्ह आम कौन कर रखा ये जा रखापर गोटे कंट्रोल टी प्रेस करी कंट्रोल टी प्रेस करापर यू टी छोट करदे छोट कला ये गोटे नुआ लेयर गोटे क्रिएट करदे नुआ लेयर क्रिएट करने मुझे कहीं लेयर क्रिएट करा देखो मूल फाइलटा जो रोचे आम जो प्रथम करी ये गोटे तले गोटे बॉर्डर दिखाई बॉर्डर दिखाई तो आम से गोटे बॉर्डर क्रिएट करवा
तो आम कौन करा ना गोटे नुआ लेयार मुझे क्लिक यहाँ गोटे ना ये क्लिक कले गोटे नुआ लेयार हो क्लिक कली क्लिक करापुर देखते यहाँ गोटे बड़ हो गया लेयर वन ठीक है आपको आम रिनेम करदे मन करूँ यू लिखीद बटम बटम बॉर्डर ठीक अच्छे तापर ये आम से सिलेक्ट होकर क्लिक करवा ये क्लिक करापर आम ये एमती गोटे टाणीदेली ठीक अच्छे ये टाणीदेला आपको आम कलर फिल करवा जेहतु ये गोटे नुआ लेयार होकर अच्छी कलर फिल करा कौ कलरटा करा ना यू आम कलरटा पिक करवा मन करूँ मुझे क्लिक कली देखते ये गोटे सीरीन चिन्ह हो गला देखते मुझे जो बाहर को नौ आम या भितर कलर चूज करूँ मैं कलर चूज करवा जदि या भितर कौन कलर आमको पसंद लगेगा मन करूँ आम ये कलरटा को ना कि ये कलरटा को ना कि ये कलरटा को ना तो ये क्लिक कले ही से कलरटा अटोमेटिक पलिप ओके क्लिक करवा तापर ऑल टू बैकस्पेस प्रेस करवा ठीक अच्छे ऑल टू बैकस्पेस रे क्लिक करापर देखूँ यहाँ कलर चेंज हो गला तापर आम कौन करा ना ये जो स्वस्तिक चिन्हटा को सामने को आने पड़ो तेणु यहाँ पचर अच्छे तेणु आम कौन करा ना कंट्रोल शिफ्ट ब्राकेट बटन यूज करा सामना को पलिशाला सामना को पलिशाला आम कौन कर पड़ो आउ टे छोट करदे छोट कलापर आम कौन करा ना यू टे ये बॉर्डर भितर आमको रखापी पड़ो तेणु आमको आहरी अनेक गुड़े यठी कॉपी पेस्ट करने पड़ो तेणु ये कॉपी पेस्ट करने जो फॉर्मूला होता है कंट्रोल जे देखो ये बर्तमान स्वस्तिक चिन्ह अच्छी तो यहाँ को आम कंट्रोल जे जदि प्रेस करदे आउ गोटे क्रिएट हो गला देखते यहाँ है स्वस्तिक कॉपी हो गला तो आउ गोटे जदि जे मारदे से मैंने स्वस्तिक कॉपी टू हो गला तो या भितर बर्तमान तीन टा लेयर बर्तमान क्रिएट हो गला देखो मुझे बर्तमान टाणिकी आणिकी ये रखुच्छी तापर आउ गोटे टाणिकी रखुच्छे तो ये तीन टाक बर्तमान क्रिएट हो गला ठीक अच्छे तापर ये तीन टाक बर्तमान सिलेक्ट करुच्छे एटी क्लिक कली सिफ्ट धरिकी ये क्लिक कली सिफ्ट धरिकी ये क्लिक कली तापर कंट्रोल ई प्रेस करुच्छे ठीक अच्छे कंट्रोल ई प्रेस करापर ये गोटे लेयर हो गला पुणी आउ थे मुझे कंट्रोल जे प्रेस करुच्छे यहाँ आउ गोटे लेयर हो गला तो ये पुणी आउ थे यहाँ को मैंने कंट्रोल जे मारिकी एटा आउ गोटे क्रिएट करदेली तापर स्वस्तिक कॉपी थ्री स्वस्तिक कॉपी टू हो गला दुईटा सिलेक्ट कर पुणी कंट्रोल ई प्रेस कर दूसरी तापर पुणी कंट्रोल जे प्रेस कर दूसरी तो ये यहाँ पुणी आउ गोटे हो गला ठीक अच्छे एका थे छटा जाक हो गला तो छः बारटा हो गला तो पुणी आउ आमको आहरी पाखापाखि बारटा क्रिएट करने पड़ो तेणु ये दुईटा सिलेक्ट कली कंट्रोल ई मारि पुणी कंट्रोल जे मारि तापर ये जिन सरी पुणी से स्वस्तिक चिन्हटा ताऊपर क्रिएट हो जाए तापर एटा को आनिकर आम ये रखीदे तो तापर आम कौन करा ना ये दुईटा को पुणी यू कंट्रोल ई मारिक पुणी आउ थे गोटे मानने सब मर्ज करदे यू आणिकी ये रखा तापर आम कौन करा ना ये स्वस्तिक चिन्ह पछपटे जो बॉर्डरटा अच्छे से दुईटा को आमको तल को टिके आने पड़ो तेणु स्वस्तिक कॉपी एटा केवल स्वस्तिक नाटा देदे तापर जो अच्छी कौटा बॉर्डर बटम बॉर्डर जोटा अच्छे कंट्रोल धरिकी यू सिलेक्ट कली तापर कीबोर्ड जो ड्रॉपडाउन आर अच्छे से क्लिक करके तौक नहीं आसली तौक नहीं आसला मुझे यहाँ रखीदेली रखीदेलापर मुझे बाहर क्लिक कर दूसरी तापर ये जिनसा देखते यहाँ भी अटोमेटिक भाव में रही जाए यार किसी दरकार नहीं कंट्रोल टी मारिकी आम टे यू कौन करा ना छोट करदे तापर यहाँ को आम कौन करा ना छोट करदे छोट करापी कंट्रोल टी प्रेस करके मुझे यहाँ को सिफ्ट धरिकी यहाँ छोट करदेली तापर आम कम कौन है ना देखो ये जिनसटा को आज टी आम बाँपट को देदे बाँपट को देखा कदमी गाँव कदमी गाँव को पछपट को देदे आम कौन करा ना यही जिनसटा को आज टी एट रखिकी एट रखिकी आ कंट्रोल टी प्रेस करके छोट करदे तो यही डिजाइनटा मुझे आपको कहली जटा को आपड़ केमी कौन करेंगे तापर बाकी रहा आपर अगर केमी आप डिजाइन करेंगे सहीटा मैंने आपड़ निज आईडिया निजे सहीटा करेंगे ठीक अच्छे तापर यू मुझे रखुच्छे ये रखला ये रखिली कलश चिन्ह रखला यहाँ को टी मे छोट हो जाए मैंने छोट करदे आम कम है लिखा लिखापी मुझे कौन कर देखते ये जो लेखाटा अच्छी मन करूँ आम यहाँ लिखा गोटे वक्रतुंड महाकाय जो हिंदी में जोटा लिखा हुए से जिनसटा को आम लिखा ये मुझे गूगल खोलूँ से जिनसा मुझे डाउनलोड करी ये इमेज क्लिक करुच्छे यहाँ केमी कौन मैंने पीएनजी फाइल कराए से विषय मुझे भिडियोटा अवश्य टी डेरी है कि आपड़ी मैंने एक्चुअली शिखापी चाहूंट तेल यू मूल शेष पर्यटन देखूँ तेल जापर वक्रतुंड महाकाय महाकाय यहाँ मारिदे पलि आसपर यू पीएनजी फाइल आप देखिए करेंगे देखो यहाँ हूँ वक्रतुंड महाकाय ये गोटे पलि आसला
ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ରହୁଥିବ ଯେମିତି ଏଇଟା 2000 ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କପି ଇମେଜ୍ କରିବା ତାପରେ ଫଟୋସପ୍ରେ ଏଇଟା ଖୋଲିକିରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବା ଏଠି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛି ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି କ୍ରପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ୍ରପ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମର୍ଜ କରିଦେବା ତାପରେ ଏଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିକିରି ତା ଲକ୍ଟା ଖୋଲିଦେଲି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ ଅଛି କଲର୍ ରେଞ୍ଜକୁ ଯିବା ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ତାପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଠି ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛୁ ଠିକ୍ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପରେ ଏ ସବୁଯାକ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଇମେଜ୍ ମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲା ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ଏସ୍ ବା ଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇକରି ସେଭ୍ ଆଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଏଠି ଆମେ PNG ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା PNG ଫାଇଲ୍ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଦରକାର ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନଥିଲି ତେଣୁ ଆମେ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ସେଭ୍ କରିବା ଏଠି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଲେଖିଦେବା ତାର ଫାଇଲ୍ଟା ନାଁ ଦେଇଦେବା ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ତାପରେ ଏଠି ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟାକୁ ଟାଣିକିରି ଫଟୋସପ୍ରେ ଖୋଲିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଫଟୋସପ୍ରେ ଖୋଲିକିରି ତାପରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଏଠୁ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି କହିଦେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠୁ ଟାଣିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଟାଣିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଉଛି ଏଇଟା ନୋ କରିଦେଉଛି କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଭ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆମର ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଲି ଏଇଠି ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିକିରି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିପାରିବା ୟାର ଯଦି କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏଠି ଆର ରିନେମ୍ କରିଦେଉଛି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ରିନେମ୍ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଧରିକିରି ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଧରିକି ଏଇଠି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପରେ ସବୁଯାକ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କଲର୍ଟାକୁ କେଉଁ କଲର୍ଟା ନେବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ନେବା ଆଉ ଏଇ କଲର୍ଟା ଆମେ ନେବା ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଅଲ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡି ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଟିକେ କାଇଁ ଏଇଟା ହେଲାନି ସେଇ ନାଲି କଲର୍ଟା ଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇ ନାଲି କଲର୍ଟା ଥାଉ ତାପରେ ଆମର କାମ ହେଲା ଲେଖିବା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫଣ୍ଟ ବଡ଼ ଛୋଟ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ 15 ଆମେ କରିଦେବା ବା ସାଇଜ୍ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ହେଲା 15 ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଫଣ୍ଟ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକୃତି ଓରି ହିମାଦ୍ରି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆକୃତି ମାନେ ଓରି ହିମାଦ୍ରି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ ମାରିଦେଲି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କଲର୍ ମାନେ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଧଳା କଲର୍ଟା ଦେବା ଧଳା କଲର୍ଟା ଏଠି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବନି ବୋଧେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଏଇ କଲର୍ଟା ଦେବା ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଦେବା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ନା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କପି କରିଦେଲି ମାନେ ଦୁଇଟାକ ଲେଖିଦେଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ ଏଠି ଫଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ତେଣୁ ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଏଠି ମୁଁ ଆକୃତି ଓରି ସାରଳା କରିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି AKRUTIORISARA ଆକୃତି ଓରି ସାରଳା 99 କ୍ଲିକ୍ କଲି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆମେ ଲେଖିବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆକୃତି ଅନ୍ କଲି ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଲେଖିବା ମହାଶୟ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିବେ କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିବା କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି କମନ୍ ଜିନିଷ କେଉଁ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଲେଖାଉଥିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଲେଖା କଥା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ମାନେ ଲେଖୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ତା ପଛପଟେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଲି ତା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଦେଇଛି ଏଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋଟାକୁ ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରସିଦ ବହି ବା ମନି ରିସିପ୍ଟ ବହିରେ କେମିତି କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲି ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଭ୍ କରିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିନିଷଟା ସେଭ୍ ହୋଇନି ତ ଫାଇଲ୍କୁ ଯିବା ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା ଏଠି ମୁଁ ଏଠି କେଉଁଠି ଫାଇଲ୍ ଗଲି ସେଭ୍ କଲି ସେଭ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଆମର ଫର୍ମାଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ PSD ଫର୍ମାଟ୍ ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ ନାଁ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଇନ୍ଭାଇଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏଠି
सेव करदे सेवरे क्लिक करापे मुझे डेस्कटप सेव कली डेस्कटप सेव हो जाए ये जिनसा आम कौन करना जब पीडीएफ करवा पीडीएफ करापाई आम कौन करना ये फाइल को जी से सेभाज क्लिक करवा सेभाज क्लिक करापर ये हम जो फर्माट रोचे फर्माट्रे आठ विभिन्न प्रकार जेपीज करेंगे टीप करेंगे मन कर पीडीएफ करवा पीडीएफ करापी मुझे डेस्कटप सेव कली तापर ये सेव्रे क्लिक कली ओके क्लिक कली तापर ये सेव पीडीएफ क्लिक कली तापर ये एटाक आम क्लोज करदे नो रे क्लिक करदे सेव पीडीएफ क्लिक करदे तो ये जिनसा देखते आपंकर सेव हो कौटी आम डेस्कटप सेव हो जाए अच्छा जदि आम आपको कौन करना फाइल को जी जदि से मैंने जेपीज फॉर्मेट जब सेव करवा फाइल को जी सेव एज क्लिक करवा ये फॉर्मेट जो अच्छी फॉर्मेट रे क्लिक करी ये जेपीज रे क्लिक करवा तापर ये सेव रे क्लिक करदे जो जगार आप रखापी चाहते सही जगह सिलेक्ट करेंगे मुझे डेस्कटप सरी डेस्कटप सिलेक्ट करी ये सेव एज क्लिक करुच्ची डेस्कटप क्लिक करुच्चर ये गणेश पूजा क्लिक कर जेपीज क्लिक करुच्ची सेव रे क्लिक करुच्ची तो यही जिनसा आमर डेस्कटप सेव हो प्रोसेस आपड़ सेव करेंगे और प्रिंट करेंगे तो आशा करुच्ची वीडियो आपड़ मूलर शेष पर्यटन देखिथे और कौन सी जगह भी आपंकर डाउट नत क्लीयर भाव में कहली जदि भी आप मैंने देखिकी जदि कौन जगह कन्फ्यूज रोते आपड़ बेटर हम जब आप कंप्यूटर रोचे कि गोटे लैपटप रोचे गोटे आडमिशन कर दिंतु मुझे पर्सनाली सब जिन शिखिपारे थैंक्स फर वाचिंग।